तो गाइज ये सीन देख के तो आपको ऐसा ही लगा होगा कि मेरा भाई कुछ एंजॉय कर रहा है भाई, कुछ पब के अंदर, कोई बार के अंदर, कोई डिस्को के अंदर खड़ा है। पर दोस्तों मैं कोई बार डिस्को के अंदर नहीं खड़ा हूँ, पर हाँ दोस्तों जरूर मैं नाइट लाइफ एंजॉय करता हूँ। अभी मैं बैंकॉक के अंदर हूँ और ये है अभी नाइट लाइफ वैन के अंदर दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, आपको मजा आएगा कि ये वैन क्या है और कैसी वैन के अंदर नाइट लाइफ है दोस्तों, आप देखिए। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। दोस्तों मैं हूं एक वैन के अंदर जो थाईलैंड की, दोस्तों अगर आपने टूर किया होगा तो आपको मालूम होगा दोस्तों थाईलैंड के अंदर बहुत सारी ऐसी आपको वैन देखने को मिलेगी और मे बी आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो जस्ट ये वीडियो इसलिए मैंने शेयर किया दोस्तों आपसे कि मेरे बहुत सारे भाइयों की जो यादें ताजा हो जाएगी दोस्तों, बिकॉज जो लोग थाईलैंड में आ चुके हैं उनको तो मालूम होगा दोस्तों कि ये यहाँ पे कैसी वैन होती है और क्या सिस्टम होती है वैन के अंदर, राइट। तो ये वाली वैन है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही उसके जो फीचर्स है दोस्तों बहुत ही क्लासिक फीचर है। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी एक वीडियो बना के मेरे दोस्तों से शेयर किए जाए और मेरे जो नए लोग आने वाले जो थाईलैंड के अंदर उनको भी जरा मालूम हो जाए कि थाईलैंड के अंदर कैसी वैन होती है और यहाँ पे कैसी सिस्टम होती है, राइट। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ का जो टूरिज्म है एक बिल्कुल कलरफुल टूरिज्म है, जैसे नाइट लाइफ हो गई, सब कुछ कलरफुल होता है। तो यहाँ की गाड़ियां भी कलरफुल होनी चाहिए और है ही भी दोस्तों, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, आप वीडियो को मौज कीजिए दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा वीडियो और आपसे मैं शेयर करता हूँ ये कार का पूरा रिव्यू, ठीक है। मेरे भाई देखना चाहते थे, उनकी यादें ताजा करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग पहले आ चुके हैं ऐसी गाड़ियों में, यहाँ पे थाईलैंड में घूम चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो उनको भी बताया जाए और जो हमारे नए जो लोग है वो थाईलैंड में आने वाले है, जरा उनको भी मालूम हो जाए कि थाईलैंड के अंदर कैसी वैन होती है, कैसा टूरिस्ट के अंदर वैन यूज किया जाता है, राइट। तो मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा दूँ कि यहाँ पे कितनी अच्छे से लाइटिंग फिटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यह है पूरा नियॉन लाइट जो इंजन के अंदर फिट किया है और यहाँ पे दोस्तों एलईडी स्ट्रिप लगा है और उसके अंदर है दोस्तों प्रोजेक्टर लैंप, आप देख सकते हैं। तो ये वाला प्रोजेक्टर लैंप है यहाँ पे दोस्तों, ये है लिमिटेड एडिशन। अगर गाइस उसके जो व्हील्स के जो रिम्स है मैं उसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक आपको दिख रहे होंगे व्हील्स उसके, जो मैगव्हील आप देख सकते हैं ये वाली। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी एसेसरीज यूज किया है इसलिए आपको देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी ये वैन। आप ये वैन की एंट्री आप देखना चाहते हैं, देखो ये रिमोट से खाली क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कैसे दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन होता है विथ लाइट्स, जो पार्किंग लाइट ओपन हो जाएगी दोस्तों। और अंदर का भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अगर इसको क्लोज करना है तो सीधा एक रिमोट दबाओ, गाड़ी क्लोज हो जाएगी, जो आपकी पार्किंग लाइट है वो भी क्लोज हो जाएगी और डोर भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। रिमोट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो सीधा ये रेड सेंसर है, सीधा इसको क्लिक कीजिए। ऐसा क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हैं दरवाजा खुल गया। सेम ऐसे ही दोस्तों इसको क्लोज करना है तो इसको एक बार प्रेस करना है, ये वाला सेंसर है रेड वाला, इसको ये मैंने प्रेस कर दिया तो सीधा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो यही है दोस्तों थाईलैंड के जो टूरिस्ट के अंदर जो वैन यूज की जाती है, तो ऐसी वैन यूज की जाती है दोस्तों। अभी हम शुरू करते हैं स्टेप से, जो हमारा जो पहला जो फुट स्टेप यहाँ पे रखेंगे, जो पहला कदम, तो वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये लोग ने एलईडी का सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों ग्लास है, ये वाला है, ये ग्लास है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ग्लास है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का ग्लास यहाँ पे फिट किया हुआ है। गाइस ये वैन की एयर कंडीशन सिस्टम की हम बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पहला जो आदमी बैठेगा उसके ऊपर है दो ब्लोवर, उसके जो मिडल में बैठेगा उसके ऊपर भी उसको दो ब्लोवर मिल जाते हैं और जो थर्ड वाला पार्टी बैठेगा उसके ऊपर भी दो ब्लोवर मिल जाएगा दोस्तों। और उसको भी दोस्तों ब्लोअर में भी एलईडी ब्लू फिट की हुई है तो बहुत ही एक प्रीमियम लुक आता है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों ये लोग ने रीडिंग करने के लिए कुछ काम है तो लाइट्स भी दिखी हुई है जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा ये वाला स्विच है आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं कोई अगर आपको कुछ काम है तो, राइट। इसका सीटिंग कैपेसिटी का हम बात करें तो एक्चुअल में यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पहला आदमी, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट रो के अंदर तीन आदमी बैठ सकते हैं, सेकंड रो हो गई, सेकंड रो के अंदर भी दोस्तों तीन आदमी बैठ सकते हैं, उसके बाद में है थर्ड रो, उसके अंदर भी दोस्तों तीन आदमी बैठ सकते हैं। ये हो गया दोस्तों 9 पैक्स का सीटिंग अरेंजमेंट। और उसके पीछे का, उसके पीछे में भी जो फोर्थ रो है उसके पीछे में भी तीन लोग बैठ सकते हैं, राइट। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर 9 लोग हैं तो उनका जो सामान रखना होता है तो पीछे की जो सीट होती है उसको फोल्ड करके सामान रख सकते हैं, आपका लगेज रख सकते हैं आप लोग। और गाइज वहां पे दिए हुए स्पीकर, आगे में दो स्पीकर है और वूफर लगा हुआ है, तो म्यूजिक सिस्टम तो दोस्तों बहुत ही आला ग्रांड है। अगर इसकी फोर्थ रो की मैं बात करूँ तो फोर्थ रो के अंदर भी है 3 लोग की कैपेसिटी, अगर आपको सामान रखना है तो इसको फोल्ड कर दो तो फोल्ड हो जाएगी और आपका जो लगेज है रख सकते हैं। अगर नहीं है सीधे आपको 12 जन को जाना है तो आप जा सकते हैं।
गाइस मैं यहाँ से भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में पीछे से ये वैन का कैसा लुक है, कि जो लास्ट में बैठेगी उसको कैसी फीलिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं पूरा उसका व्यू कैसा दिख रहा है वैन का दोस्तों, बहुत ही लग्जरियस है। और आप इसमें सवारी करोगे 4-5 घंटा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये हम कहाँ गए और कहाँ निकल गए। मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ, जो आगे वाला मेन पार्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेन है उसका इंटीरियर कैसा है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वाला कैसा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है पूरा लाइटिंग्स में, तो ये लोग ने कोई टाइप की कोई कमी नहीं रखी है दोस्तों गाड़ी के अंदर, सब जगह में लाइटिंग तो ये लोग ने फुल दिया है। यहाँ पे है दोस्तों एम्पलीफायर, जो म्यूजिक का सिस्टम का पूरा जो बेस आप बढ़ा सकते हैं, जो भी उसका सिस्टम है म्यूजिक सिस्टम सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाजू में है दोस्तों स्क्रीन दी हुई, आप देख सकते हैं मेरे सामने वो जो है इंटीग्रेटेड स्क्रीन, जहाँ से आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, आपको यूट्यूब ऑन करना है, जो भी आपको देखना है अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे सामने देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसके अंदर दोस्तों सभी कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं गाड़ी के अंदर, जितने भी कंट्रोल्स है आप सीधा स्टीयरिंग से हैंडल कर सकते हैं, ये वाले सब कंट्रोल्स है उसके। और उसका अगर मीटर की हम बात करें जो कंसोल की, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है दोस्तों कलरिंग्स, तो बिल्कुल स्पोर्ट फीलिंग आ रही है दोस्तों वैन के अंदर बैठने के बाद, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मीटर्स दिया हुआ है दोस्तों वो है हाइड्रोलिक का मीटर, जहां से आप सेटिंग करके जो भी आपका हाइड्रोलिक का उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये हो गई उसकी स्क्रीन है दोस्तों, और ये है जो उसका मेन जो पूरा वुडन फिनिश यहाँ पे जो डिजाइन से बना हुआ है, यही है दोस्तों उसका मेन बोर्ड। ये है उसका बैक साइड का व्यू, मैं आपको थोड़ा नजदीक जाके दिखाता हूँ कि उसके जो पीछे की लाइट है जो एलईडी लाइट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है दोस्तों। राइट, ये वाली है दोस्तों उसकी नियॉन रेड कलर की लाइट, बहुत ही एक शार्प लाइट है दोस्तों। और यहां से दोस्तों ऐसा व्यू है साइड से, ये वैन के कुछ साइड व्यू से बात करें तो साइड व्यू से ऐसी वैन दिखती है दोस्तों। यहाँ पे उसका जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे दोस्तों पूरा जो वुडन फिनिश है यहाँ पे किया हुआ है वुडन फिनिश जो ग्लॉसी में है, और यहाँ पे है एयर कंडीशन के वेरिएंट। एक छोटी छोटी बातों में ये लोग ने ध्यान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिजाइंस, और बाकी तो जैसे मैंने आपको अभी आगे दिखाया, जो वायरिंग भी ये लोग ने पूरा जो एलईडी से कवर किया हुआ है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। जो पानी की बोतल रखी है दोस्तों, जो पानी की बोतल उसके अंदर भी दोस्तों एलईडी लाइट है, तो जैसे आप बोतल रखोगे तो उसमें भी आपको कुछ नई फीलिंग आएगी दोस्तों, एलईडी वाला पानी हो जाएगा आपका। राइट, तो यही है दोस्तों वैन, आगे का मेन जो ड्राइवर सीट का व्यू, यहाँ पे दोस्तों बैठते हैं नॉर्मली गाइड लोग बैठते हैं, अगर आप टूर में जाते हैं तो गाइड का ये सीट होता है, और यहाँ पे होता है ड्राइवर का सीट, और पीछे आपका जो मेन सीट होगा जो पैसेंजर सीट होगा 9 सीट है, जो ऑफिशियली 9 होती है, और पीछे के अंदर भी दोस्तों 3 सीट होती है, पर वहां पे आप लगेज रख सकते हैं उसको फोल्ड करके। तो गाइस ये कार के अंदर सेफ्टी का भी बहुत ही ध्यान रखा हुआ है, जैसे मैंने आगे आपको बताया कि इसके जो बम्पर्स है दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूज किए हैं। तो और थाईलैंड में तो आपको मालूम है यहाँ पे जो रोड होता है जो मोटर वे उसके ऊपर कोई इतना हैवी बम्पर नहीं आते, कोई ऐसे खड्डे नहीं होते, तो आपको इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दोस्तों। अगर बाई चांस ऐसा कुछ आ जाता है तो भी ये कार ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसके अंदर जम्पर सिस्टम दिया होता है दोस्तों। थोड़ा अंदर जाके भी मैं आपको दिखाऊं कि कैसा है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली आप मेरे सामने देख सकते हैं दोस्तों फायर का जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम है बॉटल, वो भी फायर सेफ्टी का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। अगर आपको ग्लास ब्रोक करना हो, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ग्लास ब्रोक करने के लिए भी जो उसकी एक आती है जो क्या बोलते हैं उसको एक्स, वो छोटी वाली एक्स दी हुई है आप देख सकते हैं मेरे सामने, जहां से आप ग्लास ब्रोक कर सकते हैं अगर आपको बाहर जाना है कुछ इमरजेंसी के अंदर। भाई इसका जो एयर कंडीशन का सिस्टम है सभी जगह में ये लोग ने ब्लोवर्स दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे मैंने आगे की अभी सीट बताई, जो पीछे का पूरा ये मेरा जो सीट वाला जो पार्ट मैंने दिखाया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आराम से 9-10 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और ड्राइवर के बाजू में भी एक सीट है जहाँ पे नॉर्मली गाइड लोग बैठते हैं, तो वहां पे तो पैसेंजर नहीं बैठ सकते, वहां पे जस्ट नॉर्मली गाइड बैठते हैं, बाकी पीछे में दोस्तों यहाँ में पैसेंजर बैठते हैं। तो गाइस आज वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आगे आने वाले नए कंटेंट के अंदर दोस्तों आपको बहुत ही मजा आने वाली है, मैं आपको बहुत सारी यहाँ की नई नई चीजें दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर आपको थाईलैंड के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, अगर कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो आपको नीचे शो कर रहा है आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, फॉलो करना भूलना मत। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, उसके बाद में हम व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।